कोशिश करने का, लेकिन आप कैसे देखते हैं, अभी भी सपना ही रह गया है? देखो, मानगढ़ की गौरव गाथा आज नहीं इतिहास में है। कई इतिहास जनों ने वहाँ 1500 से ज़्यादा लोगों का बलिदान लिखा हुआ है, कई इतिहास जनों ने अलग अलग अपने विचार रखे, लेकिन सही तो वही है। उन चीज़ों को जब जब खोजबीन हुई, इतिहासकारों ने इस चीज़ को और भी निकाले जा रहे हैं। 1913 में ये चीज़ हो चुकी है, सबको पता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2003 में वहाँ जाकर उस धाम में स्मारक घोषित भी किया, स्मारक बनाने का काम किया है, और वहाँ लोगों का आना जाना बढ़ा है। आदिवासी भाइयों की युवा पीढ़ी जब पढ़ लिख कर आगे आ रही है तो उन चीज़ों को समझ पाई है, और हमारे इतिहासकारों ने इस चीज़ को लिखा है। आज उसी चीज़ को देखते हुए गुरु गोविंद जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उनके नाम पे पिछली बार मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी यहाँ खोली उदयपुर में, बाद में गवर्नमेंट बदलने पर, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी गवर्नमेंट ने बदल कर नहीं खोलने के बजाय उसको बांसवाड़ा शिफ्ट किया, वो भी अच्छा किया। लेकिन वहाँ अच्छा होता और खोलते, और इसका हर बार ज़्यादा लोगों में जानकारी किस तरह हो उसका प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको सीमित करने के लिए, इसको केंद्रित करने के लिए केवल वहीं रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पूरे मेवाड़ और पूरे हिंदुस्तान में आज उम्मीद थी कि भारत के प्रधानमंत्री जी जो भाषण में तो ये चीज़ें कहते हैं, लेकिन हकीकत में जो मांग की थी मुख्यमंत्री जी ने, अगर आज वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते तो जलियांवाला बाग की तरह उससे भी बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो हमारे शहीद हुए उनकी आत्मा को शांति भी मिलती है, उनके हमारे पूर्वजों की गाथाओं को नई युवा पीढ़ी को जानकारी भी मिलती है। लेकिन निराशा हाथ लगी प्राइम मिनिस्टर के दौरे से, केवल राजनीतिक दौरा साबित हुआ।